अबू धाबी में चल रहे इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड यानी कि आईफा के मौके पर रेखा और हेमा मालिनी का गजब का अंदाज देखने को मिला। दोनों ने ही इस मौके पर साड़ी में काफी ग्लैमरस लुक कैरी किया। इन लुक से ही इन्होंने आजकल की हीरोइनों को फील कर दिया। चलिए दोनों के लुक को बताते हैं, आखिर इन्होंने लुक कैसा कैरी किया था। दरअसल रेखा की बात करें तो रेखा ने आईफा में जब एंट्री ली तो गोल्डन साड़ी पहनी थी, गजरा लगाया, पोटली वाला पर्स तो हील से गजब का लुक दिखाया। रेड कार्पेट पर पैप्स को ढेर सारे पोजेस भी दिए। रेखा की मांग में लगा सिंदूर फिर से एक बार चर्चा का विषय बन गया। जैसा कि हर बार वो सज संवर कर आती है, इस बार भी उन्होंने हाथों में चूड़िया, मांग में सिंदूर और गोटू पर लाली लगाई थी। उन्होंने परफेक्ट अंदाज में आईफा में अपना जलवा दिखाया। वहीं बात करें हेमा मालिनी की तो वो इस अवार्ड फंक्शन में गुलाबी रंग की साड़ी में दिखी। उन्हें हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्हें खुद शाहरुख खान स्टेज पर लेने पहुंचे थे। ये पल फैंस के लिए बेहद ही प्यारा था। हेमा मालिनी और रेखा दोनों ही अपने जमाने की खूबसूरत अदाकारा हैं और दिग्गज एक्ट्रेस रह चुकी हैं। दोनों ने ही अपने अपने समय में राज किया है, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि उम्र में रेखा से बड़ी हेमा मालिनी, जी हाँ वो भी 6 साल का अंतर है। दरअसल हेमा मालिनी 75 की है तो वहीं रेखा 69 साल की है। हेमा मालिनी और रेखा दोनों की एक ही इंडस्ट्री से आती है, लेकिन दोनों में जरा भी कभी बैर नहीं रहा। कोई भी खास मौका हो तो दोनों की दोस्ती हमेशा देखने को मिली है। रेखा और हेमा मालिनी का बॉन्ड किसी बहनों से कम नहीं है। वहीं बात करें अगर हेमा और रेखा की तो हेमा और रेखा ने तो साथ में काम भी किया है। 1987 में आई अपने अपने जान हथेली पर और साल 1975 में आई कहते हैं मुझको राजा जैसी फिल्मों में स्क्रीन भी शेयर किया। दोनों की दोस्ती है एक बार नहीं हजार बार देखने को मिली है। एक बार रेखा ने भी हेमा मालिनी की संसदीय क्षेत्र मथुरा की गर्ल्स कॉलेज के लिए 35 लाख रुपये दान भी किए थे। फिलहाल आपको रेखा हेमा में से किसका लुक ज्यादा अच्छा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियो को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।